एक अजीब सी नई टर्म निकल आई जुडिशियल पोजीशन की। सर एक्स पार्टीज डिग्रीज एग्जीक्यूट हो रही हैं, पार्टीज का एड्रेस ए की जगह पे है और एग्जीक्यूशन बी की जगह पे हो रही है, उस बंदे को पता तब चलता है इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए होता नजर भी आना चाहिए। बहरहाल आज की इस तकरीब में हम आप सब जज साहबान की आमद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ आते हैं, हमें आपके के साथ वो हम खुश असलूबी से सर अंजाम देने में कामयाब होते हैं। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा आपसे और अब हम अपने मौजूद जज साहबान को बार की लाइफ मेंबरशिप देंगे। सच्ची सब से गुजारिश, थैंक यू वेरी मच। जनरल फॉर पाकिस्तान सीनियर मेंबर बार मोहम्मद आजम खान बाबर साहब, मोहम्मद नवाज खान साहब, मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़। अब मैं मुल्तमिस हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के वो आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। मैंने बात सदर साहब से सुनी वो ये थी कि हम जज साहबान को आने पे आते वक्त भी चाय पे मधु करते हैं और जाते वक्त भी उनकी चाय से तवाज़ो करते हैं। नॉइंगली लेकिन सदर साहब की ये बात सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मैंने कहा अभी क्या मुझे ये और इसी बहाने आज इस बात की भी वजाहत हो जाएगी, क्योंकि एक आपने ये फरमाया कि आप आने पे और एक आपने फरमाया कि जाने पे, दोनों सूरतों में जज साहबान के लिए आप इस तकल्लुफ़ का और इस मौके का एहतमाम करते हैं, तो मुझे ये बता दिया जाए कि ये चाय मेरे आने पे आपने की है या मेरे जाने पे की है। या आइंदा के लिए आप एक और इस्तलाह इस्तेमाल किया करें कि ये टू इन वन है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आज का ये जो फंक्शन है ये टू इन वन है, कि इसमें मेरी आमद भी शामिल है और मेरी रवानगी तो उसमें है ही है। दूसरी बात जो उन्होंने अभी कही थी कि कभी कभी इनको ये लगता है कि मैं आपकी बार का हिस्सा हूँ, मेरा ख़्याल है इसमें भी तरमीम की ज़रूरत है। आपको कभी कभी नहीं लगना चाहिए, आपको समझना ही ये चाहिए कि मैं आपकी बार का हिस्सा हूँ। मुल्तान के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूँ इंशाल्लाह और मैं करता रहूँगा। मुल्तान आम शहर नहीं है, मुल्तान आम जगह नहीं है। इसको देखने के लिए और इसको समझने के लिए अगर कुदरत ने आपको वो आँख दी है तो मैं ये समझता हूँ कि औलिया अल्लाह की सरजमीन होने की वजह से इस खित्ते की अपनी फ्यूज़ो बरकात है। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब मुल्तान आते वक्त मेरी नज़र उस बोर्ड पे पड़ती है जिस पे लिखा होता है वेलकम टू मदीना तो लौलिया, तो मेरी केमिस्ट्री ऑल टुगेदर वहीं बदल जाती है। मालिक जो है वो बड़ा मेहरबान है और उनके फ्यूज़ो बरकात की वजह से ये जो आउटवर्ड बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंतहाई अच्छाई की तरफ हैं, इसलिए मेरी नज़र में मुल्तान एक आम जगह और आम खिता नहीं है।
کچھ عرصہ پہلے ہم لاہور میں کسی فنکشن پہ اکٹھے ہوئے تو میرے ایک ساتھی جج صاحب نے میرے بارے میں یہ بات کی کہ جی جتنا وقت یہ ملتان گزار چکے ہیں ان کو اعزازی طور پہ وہاں کا ڈومیسائل ملنا چاہیے۔ ملتان آنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جب تک مالک چاہے گا یہاں پہ رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روسٹر میں اللہ پاک نے میرے لیے شاید یہی مدت اور دورانیہ رکھا تھا، میں آ کے اور ایک ہی ہفتے میں جا رہا ہوں، اور اس سے زیادہ خوشی کی یہ بات ہے کہ آپ تمام دوستوں نے، آپ کی بار نے، آپ کے لیڈران نے میرے لیے اس 2-in-1 فنکشن کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں مستمس ہوں صدر محترم سے کہ وہ آنریبل سینئر جج مسٹر جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کو لائف ممبرشپ کی شیلڈ دیں۔